जोनी सुदामा का नाम भगवान वासुदेव ने सुना, सुदामा जो चने की दाल खा गया था, मेरे उस मित्र का क्या हाल होगा। मेरे मुंह से निकल गया था रे सुदामा, दरिद्र ही रही। देखो तो सही उस ब्राह्मण की क्या स्थिति है, जो या तो इतना राज कार्य में व्यस्त है जो बात करने का ही समय नहीं था। सब राम राज कार्य को बंद कर दिया सुदामा और महाराज तुरंत दौड़े। अब साहब उनका नाम क्या है, द्वारिकाधीश कलेक्टर है द्वारिका के। अब कलेक्टर साहब बिना उपहन के दौड़े लगे, भगवान आज कहीं बात है। अब जो है जोरदार माहौल बनाना, तो वो 16 108 रानियां वो भी महलों में से मुंह निकाल करके देखने लगी कि आज क्या मामला हो गया, सरकार कैसे भाग रहे हैं। तो 7 दरवाजे पार करके और गए, तो जाते ही भगवान ने सुदामा जी को उठा करके और अपने गोद में लेकर के गले से लगाए और गोद में लेकर के आए और आकर के अपने सोने की कुर्सी पर सुदामा जी को बैठा दिया। अब भगवान कहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, आप ऐसा काम करो, छत गए पैदल पैदल आए इसलिए इनके पांव धोऊंगा जो गर्म पानी करके दे दिया हो, और उस गर्म पानी से उसमें तेल डाल करके और इनके पांव को धोऊंगा जो मेरे मित्र का थकेला उतर जाए। हमारा गर्म पानी लेने गए नौकर तो अंदर, और भगवान ने पांव की तरफ देखा, ऐसे बिहाल भी भाई न सोभाए कंटक के जाल गड़े पद जोए। पांव के तो बहन फट रही है, खून आ रहा है और कांटों का जाल बिछा हुआ है। कैसे बिहाल भी भाई न सोभाए कंटक के जाल महालक्ष्मी आदि भी।
कहाँ जी सके। आपके बीच आने का मौका मिला, आपके बीच डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुजर, आपके बीच मिले, आपसे और गोविंद प्रसाद जी करो, आप बड़े खाते नहीं ना, हम सबको एक बड़ा सौदा तो लगा दीजिए कार, अच्छे से संतुष्ट हो करते हैं और सहयोग करते हैं, उसको कारों को पूर्ण करवाने का कर्म करें।